हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं अपने किचन में मछली बनाने जा रही हूँ, तो सोची कि क्यों ना मछली का भी वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को मेरे मछली बनाने का तरीका दिखाया जाए कि मैं किस तरह से मछली बनाती हूँ। तो देखिए, मैं आज मछली बनाने जा रही हूँ। तो मछली बनाने के लिए हम यहाँ पर मछली लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। छोटे चम्मच से 2 चम्मच हल्दी डाले हैं और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, इसको पूरी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। हल्दी और नमक पूरे मछली के पीसेस में लग जाना चाहिए। देखिए, हल्दी और नमक को हम पूरी अच्छी तरह से मिला दिए हैं। तो अब मछली में डालने के लिए अब हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो मसाले में हम यहाँ पे सरसों, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कलर के लिए 2 छोटे चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे और साथ में टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। हमें जितना पतला या गाढ़ा ग्रेवी रखना हो उसी के अनुसार हम नमक को डालेंगे। मसाला तैयार करने के बाद हम यहाँ पे 1 टमाटर को भी काट कर यहाँ पे रख लिए हैं। इस टमाटर को भी हम मछली में डालेंगे जिस समय हम मसाला को भूनेंगे, उसके बाद टमाटर को भी डालेंगे। मछली में टमाटर डालने से मछली का टेस्ट दुगना हो जाता है और ज़बरदस्त का टेस्ट होता है मछली का। तो अब यहाँ पे हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाले हैं और गैस के फ्लेम को हम हाई रखे हैं। हाई फ्लेम पर ही हम मछली को तलेंगे और तेल को पूरी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप देख पा रहे होंगे तेल में से धुआं निकलने लगी है। अब हम मछली को इसमें बारी बारी से डालकर और तल दोनों तरफ लाल होने तक इसको तलेंगे। देखिए, हम मछली को दोनों तरफ से उलट पलट के दोनों तरफ से लाल कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। सारे मछली को हम फ्राई कर लिए हैं। अब हम जिस कढ़ाई में मछली फ्राई किए थे उसी तेल में हम यहाँ पे थोड़ी सी मेथी और 1 सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। अब तड़का हमारी लाल होगी, इसके बाद हम मसाला को इसमें डालेंगे। देखिए, मसाला हमारी लगभग फ्राई हो चुकी है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 मिनट तक फ्राई किए हैं। अब इसमें हम काटे हुए टमाटर को भी डालेंगे और 2 मिनट तक और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यह मछली बनाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा ये मछली बनाने का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देख सके। तो देखिए, अब हम टमाटर को भी 2 मिनट तक फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें हम जिस कटोरी में मसाला रखे थे उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाले हैं और गैस के फ्लेम को हाई कर दिए हैं। अब इस ग्रेवी में उबाल आने देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस ग्रेवी में उबाल आने देंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट में ही ग्रेवी में हमारी अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए सारे मछली को एक एक करके डालेंगे। सारी मछली को ग्रेवी में डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे तरह से चला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए
उबलने देंगे। तो अब हमारी मछली लगभग तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डालेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमारी मछली बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हम तो इसे चावल के साथ खाएंगे, इसीलिए इसमें ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखे हैं। रोटी के साथ खाना होता तो थोड़ा कम ग्रेवी ही रखते। तो फ्रेंड्स, हमारा यह मछली बनाने का तरीका आप देख चुके हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह नई नई रेसिपी और अलग अलग यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।